Hello students, welcome back. Today we are in our second class of vectors. In my previous class, I told you about the basics of the vectors and I told you that it is a very vast topic. This topic is actually studied in both maths and physics, and I will go a very stepwise manner. And if you have any query or any related question, you can drop your comments in the comment box and I'll certainly help you out. So let's begin our topic. हम लोग शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से. सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट पी पे है एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कम्स टू पॉइंट क्यू. पी के कोऑर्डिनेट्स हैं इन आवर एक्स वाई जेड प्लेन में पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. क्यू के कोऑर्डिनेट्स वी कैन गिव बाय क्यू एक्स क्यू वाई एंड क्यू जेड. सो अगर हमें कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर पी क्यू, पी क्यू विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर. अगर मुझे पी क्यू के कॉर्डिनेट्स चाहिए बिकॉज दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पी एंड क्यू दे रिप्रेजेंट द पोजिशन वैक्टर्स एंड पी क्यू विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर. तो इट विल बी गिवन बाय इक्वल्स टू, दिस विल बी क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई एंड क्यू जेड माइनस पी जेड. So this is the component of our displacement vector. Let's begin with addition of two vectors. First of all, you have to remember that the two quantities which have same physical nature that can be added. For example, force can be added into the force only, velocity can be added to the velocity component only. So now we will see how we add two vectors. Suppose I have two vectors, vector A and vector B. सो आई नीड टू एड बोथ द वैक्टर्स. तो मुझे क्या करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी इफ द वैक्टर्स आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन. दो वैक्टर्स हैं मेरे पास, वैक्टर ए एंड वैक्टर बी. अगर ये सेम डायरेक्शन में है एंड इफ आई नीड टू एड दैम, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी सिंपली, रिजल्टेंट विल बी सिंपली एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वैक्टर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ both the vectors. What if our vectors, they are acting on the opposite direction? Vector A is going over here, this is vector A, and vector B, that is in our opposite direction. And if I need to add both the vectors, then our resultant will be vector A plus negative of vector B, that will be equals to vector A minus vector B. It means that will be simply subtraction of vector, we can call it like that, and the resultant will be towards the vector which will be more in magnitude. If vector A is more in magnitude, then the resultant will be towards the direction of vector A, or if the magnitude of vector B is more, then the resultant will be having the direction towards B. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं विच आर एक्टिंग ऑन सर्टेन एंगल, तो व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो सम रूल्स. फर्स्ट इज आवर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग एन ए पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बोथ आर एक्टिंग ऑन ए सर्टेन एंगल एंड आई हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट. देन व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सटेंड दिस ओपी टू सर्टेन पॉइंट एट एन एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर क्यू एन ऑन दिस. So this will become a right angle triangle, and by the Pythagoras theorem we can easily find the resultant. So resultant will be R will be equals to B sine theta square plus A plus B cos theta square. क्योंकि अगर हमारा ये वेक्टर B है तो इसका कॉम्पोनेंट क्यू एन विल बी इक्वल्स टू बी साइन थीटा एंड पी एन दैट विल बिकम बी कॉस थीटा. तो हम लोग को ये लेकर चलना, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड ए प्लस बी कॉस थीटा दैट विल बिकम द बेस होल रूट. इट विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos square theta plus 2ab cos theta whole root.
and this sin square theta and cos square theta will become 1 because I can take b square as common. So sin square plus cos square equals to 1. So I can write it as a square plus b square plus 2ab cos theta root, that will be equals to our resultant. And if I have to find the angle of the direction of the resultant, so what I'll do, I'll take the tangent of beta, tan beta equals to, what is tangent? Perpendicular upon base. So it will be b sin theta upon a plus b cos theta. So that will be the angle of the resultant with respect to our vectors. Our second law is parallelogram law of vector addition. Jo kehte hai ki if two vectors acting on a particle are represented by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point. Agar main point P se do vectors ko according to two adjacent side of parallelogram main isko draw karti hun, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram from the same point. To jo diagonal hoga us parallelogram ka, that will show the resultant of addition of two vectors. तो यहाँ पर भी मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मैं इसके साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ, बिकॉज पी क्यू को मैंने एक्सटेंड किया टू पॉइंट एन और मैंने आर एन एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया. नाउ दिस ट्रायंगल पी आर एन दैट विल बिकम द राइट एंगल ट्रायंगल एंड आई हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट इज द हाइपोटेन्यूज एंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम अगेन आई कैन फाइंड द रिजल्टेंट ओवर हियर. आई कैन राइट इट एज अगेन आर इक्वल्स टू a square plus b square plus 2ab cos theta root. Because if this is vector b, then this again will be vector b equal vectors. And if it it is vector b, then this will be b sin theta and this component will be b cos theta. And if I have to find the beta, tan beta, direction of the resultant, tan beta, that will be equals to what? That will be perpendicular upon base. So b sin theta upon a plus b cos theta. So these are the two laws जो कि हमें add करना सिखाते हैं when two vectors are at an angle theta. Next is polygon law of vector addition. What does it say? It says that if there are number of vectors acting on a particle represented by different sides of an open polygon taken in same order, तो जो इसकी closing side होगी taken in opposite order, that will behave like the resultant. I mean, if I have to find the addition of so many of the vectors taken in same order, तो हमारा जो resultant होगा उनका vector sum होगा, that will be equals to a plus b plus c plus d plus e. ऐसा क्यों है? क्योंकि if this is vector a plus vector b, this will be a plus b. अब ये a plus b है और ये c है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a plus b plus c. अब ये a plus b plus c है, ये d है, तो हमारा a plus b plus c plus d एंड प्लस ई, तो ये हमारा टोटल विल बी द रिजल्टेंट. आज के लिए बस इतना ही, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कॉन्टेंट विच आई टॉट यू टिल नाउ. एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई ब्रिंक द डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, को प्लानर, को इनिशियल वैक्टर्स एंड मैनी मोर थिंग्स टू बी लर्न. एंड फॉर देन